अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट हैं वो अंडे फेंक देते हैं, उसकी वजह क्या है, या अंडे देखने से ऑस्ट्रेलियन पैरट अंडे फेंक देते हैं। तो पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि यार मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक यह है कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो अंडे क्यों फेंकते हैं, या हमारे बर्ड्स जो हैं वो अंडे देखने से फेंक देते हैं, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ का आंसर करना चाहूँगा कि हमारे बर्ड्स क्या देखने से अंडे फेंक देते हैं कि नहीं। ऑस्ट्रेलियन पैरट, बजिस पैरट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, पहला टिप याद रखिएगा कि जब भी आप बर्ड्स लेकर आते हैं तो उन्हें प्राइवेसी दें, उनको थोड़ा टाइम दें ताकि वो खुद को एडजस्ट करें, खुद को टाइम दें और पेड़ बना सकें, ज़्यादा इरिटेट, ज़्यादा तंग उन्हें नहीं करें। अच्छा, बात करता हूँ कि देखने से अंडे फेंक देते हैं कि नहीं। आपने पेड़ ले लिया, पेड़ लग गया, पेड़ लगने के बाद होता क्या है एक्चुअली, हमने अपने बर्ड्स को हैबिट नहीं डाली होती, आदत नहीं डाली होती खुद की कि हम अगर उन्हें देखें तो उन्हें परेशानी ना हो। इंसान की नेचर है, फितरत है कि जब उसको कोई फल मिलता है तो उस चीज़ को बार बार देखता है। होता यह है कि जब भी बर्ड्स ब्रीड करते हैं या अंडे दे देते हैं तो हमारी नेचर फितरत में शामिल है कि हम उसको बार बार देखेंगे कि यार कितने अंडे हो गए, आज एक अंडा है, कल दो अंडे हो गए हैं या तीन अंडे हो गए हैं, उसको बार बार देखेंगे कि यार अभी तक एक ही है या दो हो गए हैं। तो इस चीज़ से हमारे बर्ड्स जो हैं वो तंग आ जाते हैं। जब हमारे बर्ड्स तंग आ जाते हैं तो वो अंडे फेंक देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं देखूं, जो बंदा अपने बर्ड्स को प्रॉपर वे में टाइम देता है या एक टाइमिंग में उनकी केयर करता है, जैसे एक मॉर्निंग टाइम सुबह के वक्त या इवनिंग टाइम रात के वक्त वो अपने बर्ड्स को पानी डालता है या दाने को चेंज करता है, तो और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा उनको देखता है, उनके पास बैठता है थोड़ी देर, तो आपके बर्ड्स को आदत हो जाएगी कि मेरा जो मालिक है उसने आना है और आकर उसने केज को देखना भी है और पानी भी चेंज करना है, जो दाने हैं वो भी चेंज करने हैं और वो केज को भी देखता है, तो आदत बन जाएगी। जब आपके बर्ड्स को आदत बन जाएगी तो तब आप देखेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन तब भी आप इतना नहीं देखेंगे कि आपके बर्ड्स तंग आकर वो फेंक दें अंडे। आपने देखना ही है तो आप दो तीन दिन बाद एक बार देख लें तो मसला नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन में पांच पांच बार देखने लग पड़े, बर्ड्स तो ऑटोमेटिकली तंग होंगे। तो पहला टिप ये कि आप अपने बर्ड्स को तब आप देख सकते हैं अगर उन्हें आपकी आदत है। अगर आपकी आदत बिल्कुल नहीं तो आप अवॉइड करें, इस चीज़ से जितना हो सके बचें। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। दूसरा टिप इस चीज़ के बारे में है कि 70% मादियाँ अंडे तब फेंकती हैं जब उन्हें पता लग जाए कि उनके अंडे ख़राब हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, काबिले गौर बात है। 30% चांस होता है कि जो बर्ड्स हैं वो अंडे देखने की वजह से फेंक दें। मोस्टली 70% ऐसा होता है अंडे मादी तब फेंकती है जब एग्स उसको ख़राब लगे या इनफर्टाइल हों या क्रॉस मैटिंग ना हुई हो, वैसे अंडे दे दिए हो मादी ने, वैसे भी दे देती है मादी अंडे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अलावा जो मैटिंग है वो अच्छे तरीके से ना हुई हो या ऐसा कुछ भी इशू जिससे अंडे ख़राब हो गए हों, या सर्दी की वजह से हीट ना मिली हो, अंडा ख़राब हो गया हो, तो मादी अक्सर ऐसा करती है कि उठा के फेंक देती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है अंडे फेंकने की। उसको आप एग कैंडलिंग के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि अंडे ठीक हैं या नहीं, लेकिन जब अंडा 7 दिन का हो जाए उसके बाद, पहले नहीं, अगर तो उसमें बच्चा होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। एग कैंडलिंग कैसे होती है उसकी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, आप विज़िट करें। तो व्यूअर्स, जो तीसरा टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि मादी तब अंडे फेंकते हैं जब वो कम्फर्टेबल उसको फील ना करे।
पहली चीज़ में कंफर्टेबिलिटी इस चीज़ के बारे में थी कि हम तंग करते थे, लेकिन तीसरे टिप में इसलिए मादी अपने आप को रिलैक्स सुकून में महसूस नहीं करती कि उसको मटकी पसंद नहीं आई होती। वो बैठ तो जाती है लेकिन कभी अंडों को इधर रोटेट करती है, कभी दूसरी तरफ करती है कि उसके नीचे सब अंडे आ जाए और वो रिलैक्स होकर बैठ जाए। तो जब उससे बैठा नहीं जाता तो तब भी वो ऐसा कर सकते हैं कि अंडों को उठाकर फेंक दें। तो व्यूअर्स, जो चौथा टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि अगर बच्चा जो है वो अंडे के अंदर मर जाए तो तब भी मादी जो है वो अंडा उठाकर फेंक देती है। अब वो मर किस तरह सकता है? ठंड की वजह से हीट प्रॉपर नहीं दे सकी मादी, या गर्मी में भी प्रॉपर हीट नहीं मिल सकी इस वजह से। तो आपने अब ये बात याद रखनी है कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो अंडे उठाकर फेंक देते हैं तो उसकी चार ही रीज़न हो सकती हैं। या तो आपने इसे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, या अंडे इनफर्टाइल हैं, या मादी कंफर्टेबल नहीं है, या जो है वो अंडे में बच्चा मर चुका है। तो ये टिप्स आपने याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये चैनल पसंद है काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।